नमस्कार, कंपटीशन कमेटी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं हेमंत प्रधान। आइए फ्रेंड, आज हम पढ़ते हैं कॉम्पिटेटिव साइंस सीरीज के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक को। और आज हम पढ़ने वाले हैं कि भारत की जो वैज्ञानिक प्रगति हुई है, इस वैज्ञानिक प्रगति के पीछे किन महत्वपूर्ण वैज्ञानिक संस्थानों का योगदान है, उससे जुड़े हुए कौन से महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं और उनकी उपलब्धियाँ क्या हैं। बेसिकली ये टॉपिक बहुत स्टैटिक के साथ साथ डायनेमिक भी है, इसलिए हम इसे दो महत्वपूर्ण सेगमेंट में हम बनाने वाले हैं। तो आपके समक्ष आज पहला पार्ट प्रस्तुत है, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत यूजफुल टॉपिक होगा, क्योंकि बहुत सारे डॉट्स को आप आपस में कनेक्ट कर सकेंगे कि जिस प्रकार भारत की पंचवर्षीय योजना आगे बढ़ती चली गई, उसी प्रकार भारत में क्या देखते हैं, अलग अलग साइंस पॉलिसी के तहत नए नए संस्थान भी आते चले गए और भारत की जो वर्तमान की वैज्ञानिक प्रगति है, इसकी नींव उस समय रख दी गई थी। ये बात आपको ध्यान रखना है। ये टॉपिक आपके लिए ऐसे राइटिंग वाले टॉपिक में भी काफी हेल्पफुल हो सकता है। ये वो वर्ष है जब हमने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है, ये वो वर्ष है जब हम गगनयान को की ओर आगे बढ़ चुके हैं। तो अब यहां पर याद रखनी होगी, चाहे वो स्पेस टेक्नोलॉजी हो, डिफेंस हो, न्यूक्लियर हो, एग्रीकल्चर हो, रोबोटिक्स हो, या फिर कहा जाए नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी वाला सेक्टर हो, लगभग सभी दिशाओं में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि कोई भी टेक्नोलॉजी जब आगे बढ़ती है, उसके पीछे किसी न किसी संस्थान और उसके पीछे किसी बड़े साइंटिस्ट का जो है, उसकी जो महत्वाकांक्षाएँ होती, उनका हाथ होता है, जो एस्पिरेशंस होते हैं, जो बड़ी बड़ी सोच होती है। सोचिए कि 1962 के दौर में भारत में स्पेस टेक्नोलॉजी की नींव नहीं रखी गई होती, तो क्या आज भारत इतना आगे बढ़ पाता? नहीं बढ़ पाता। ऑब्वियसली हमने DRDO जैसे बड़े संस्थान बनाए, भाभा एटॉमिक रिसर्च जैसे बड़े बड़े संस्थान बनाए, तो कुछ वजह से कुछ चीज़ें जो है धीरे चलती गई, लेकिन एक समय बाद ऐसा आया कि वो तेज़ी से आगे बढ़ी और भारत की वैज्ञानिक प्रगति को अगर आप गर्व से कहें आज कि दुनिया के टॉप फाइव साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्टर में डेवलप वाले नेशन को लिस्ट को देखें, तो भारत का नाम उसमें शुमार है। यानी कि वर्ल्ड का टॉप फाइव कंट्री है भारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्टर का। वैसे यहाँ पर हमको इसको, इस टॉपिक को बहुत सिस्टमेटिकली कवर करेंगे, ताकि बहुत सारे डॉट्स को आपस में इसे आप कनेक्ट कर सकें। शैल वी स्टार्ट? चलिए देखिए, मेजर साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस एंड अचीवमेंट्स ऑफ इंडिया, भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान एवं उपलब्धियां। यहां पर देखिए कि बहुत सारे हैं, जैसे इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको जो स्पेस टेक्नोलॉजी की भारत की सबसे बड़ी संस्था है। DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, ये क्या है आपका, रक्षा क्षेत्र की सबसे बड़ी संस्था है। उसी प्रकार भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है ना, भाभा परमाणु आणविक अनुसंधान केंद्र भी कह देते हैं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, तो यहाँ BARC का नाम भी हम बहुत प्राउडली लेते हैं। उसके अलावा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, आपको बता दूं ये ICAR की स्थापना आज़ादी के पहले हो चुकी थी, उस समय ये इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च हुआ करता था। अब यहाँ पर कृषि प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत में सबसे बड़ी जो संस्था है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ऐसी बहुत सारी बातें आज के सेशन में हम कवर करेंगे, और जैसा मैंने कहा कि चूंकि उसमें सामने उपलब्धियां जुड़ी हुई हैं, इसलिए हम इसे दो महत्वपूर्ण पार्ट में कवर करने वाले हैं। पहला पार्ट को बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम साइंटिस्ट के लिस्ट को देखते हैं जो अलग अलग भारत के टेक्नोलॉजी को अलग आगे बढ़ाने में बहुत योगदान दिए हैं, उसमें डॉक्टर कलाम से लेकर डॉक्टर HG खुराना से लेकर डॉक्टर CV रमन, डॉक्टर विक्रम साराभाई एम विश्वेश्वरैया सर, उसके अलावा आप बात करते हैं कि बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट का इसमें रोल रहा है, ठीक है। तो अगर हम इन सब के योगदान को अगर सेपरेटली पढ़ें तो काफ़ी लंबा समय लगता है, इसीलिए हम इसे बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि भारत में साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैसे आगे बढ़ेगी, उनके डिपार्टमेंट हेड होते कौन है। यहाँ पर यह बात भी याद रखना होगा, देखो अगर मैं बताऊं ओवरऑल साइंस एंड टेक्नोलॉजी को देखा जाए, तो आपने एक नाम सुना होगा, उस नाम का मतलब मैं कह देता हूं कि CSIR मतलब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसको मैं हिंदी में कहूं तो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान, औद्योगिक
अनुसंधान परिषद। आप कह रहे सोच रहे होंगे इसे हम क्यों लिखें? भाई ये भारत में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन क्या है? यही CSIR है। इसके हेड कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, और इसके एक्चुअल में डायरेक्टर जनरल भी होंगे जो ऑब्वियसली साइंटिस्ट ही होंगे, बट उनके ऊपर PMO होता है। आपको ये बात समझनी होगी, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, इसकी स्थापना भारत में 1940 के दशक में कर दी गई थी। कि आपको पता है ये बात 1940 के दशक में की गई थी, और मैं अगर इसका एक्चुअल फाउंडेशन ईयर बताऊं तो ये है 1942। और ये क्या है? 1940 के दशक को भारत में मॉडर्न एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डिकेड कहा जाता है। मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दशक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी नींव यही पड़ी थी। भारत की प्राचीन वैज्ञानिक विरासत तो आर्यभट्ट के, वराह मिहिर, चरक जैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट से ऑलरेडी क्या है, काफी ज्यादा क्या कहना चाहिए हमारा ये इस सेक्टर में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्टर में प्राचीन हमारी विरासत काफी समृद्ध रही है। मध्यकाल में भी भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। इस बीच आपको पता है कि कम से कम लंबे समय तक हमारी जो वैज्ञानिक प्रगति जो है वो अवरुद्ध रही थी, क्योंकि हम ब्रिटिश इंडिया बन गए थे, हमारे ऊपर कॉलोनियल कहना चाहिए हुकूमत का राज था, यानी कि ब्रिटिश हुकूमत थी। देन आफ्टर जैसे ही हम 40 के डिकेड में प्रवेश करते हैं तो यहीं से चालू होता है आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की नींव पड़ी कहा जाता है इसे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का नवाचार या नया जो शुरुआत जो नींव रखा गया था वो दशक कौन था? आपका 1940 का दशक था। तो ऑब्वियसली अलग अलग टेक्नोलॉजी आई होगी, और इस प्रकार देखते हैं भारत तेजी से आगे बढ़ा होगा। अगर हम इन साइंटिस्ट के बारे में जानना चाहें, मैं सब चीजें बताऊंगा, लेकिन ये बात ध्यान रखना कि पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी भारत में सिस्टमैटिक तरीके से कैसे आगे बढ़ा, ये भी तो जानना जरूरी है। उसके बाद आराम से इन सब के योगदान को आप समझ सकते हैं। तो देखिए, अगर मैं कहूं अभी हम 2023 में हैं, और जब इसकी शुरुआत हुई होगी 1940 या उससे भी पहले के समय में, तब इस बीच में कितनी सारी समस्याएं आई होंगी। कई सारे क्या है, चाहे वो फाइनेंशियल क्राइसिस की बात करें, चाहे यहां पर क्या है वैज्ञानिक नेतृत्व की बात करें, चाहे यहां पर संसाधनों की कमी की बात करें, तो ऐसे बहुत सारे बातें हमारे साथ जो है जुड़ी हुई थी, फिर भी हम तेजी से आगे बढ़ते चले गए। उसके पीछे का प्रमुख कारण था ये क्या है, इसे आपको ध्यान से समझना होगा कि आज के डेट पे भारत में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कितने डिपार्टमेंट्स हैं? 6 डिपार्टमेंट। तो 5 और 1 6 डिपार्टमेंट है। ये 6 डिपार्टमेंट को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। अगर यहां पर देखें तो सबसे पहले देखिए यहां पर ये जैसे देख रहे हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट जो है वो 1971 में बना था। इसे थोड़ा मैं दूसरे तरीके से बताने का प्रयास करता हूं, अदरवाइज ये आपको रट्टा मारना पड़ जाएगा। मैं आपको बताता हूं, देखो अगर हम इस वैज्ञानिक प्रगति को थोड़ा व्यवस्थित तरीके से समझें तो भाई ये तो अपना इंडिया है, और इंडिया में फिर देखते हैं कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। जैसे कि मान लो स्पेस डिपार्टमेंट हो गया, डिफेंस का सेक्टर हो गया, न्यूक्लियर का सेक्टर हो गया, बायोटेक्नोलॉजी का सेक्टर हो गया। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट, आपको लग रहा होगा कि स्पेस डिपार्टमेंट या स्पेस टेक्नोलॉजी का डिफेंस के साथ डायरेक्टली ना होके इनडायरेक्टली रिलेशन हो सकता है, बट आप यहां पे बात करते हैं न्यूक्लियर सेक्टर या फिर बायोटेक्नोलॉजी का सेक्टर, उनके साथ स्पेस का सेक्टर का क्या डायरेक्टली ना होगा, भले इनडायरेक्टली रिलेशन होगा, लेकिन अल्टीमेटली इनके ऊपर तो कोई ना कोई हेड बैठेंगे ना, तो अपने अपने डिपार्टमेंट के प्रति क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे, अकाउंटेबिलिटी वही होगी। तो ये वही बात है, जैसे कि स्पेस डिपार्टमेंट किसके अंतर्गत आएगा, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। बातें समझ में आ रही है? न्यूक्लियर डिपार्टमेंट किसके अंदर आ जाएगा, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। बातें समझ रहे हैं? ये भारत सरकार का डिपार्टमेंट है, उसके अंदर ये संस्थान आएंगे। जैसे इसरो किसके अंतर्गत आ रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत आ रहा है। तो यही बात को आपको यहां पर इंप्लीमेंट करना होगा। आप बिल्कुल केयरफुली समझते चलना कि पहली बार भारत में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेपरेट डिपार्टमेंट कब बना, 1971 में बना। कैन यू बिलीव, 47 को आजादी मिली है लेकिन हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट 1971 में बना है।
यदि हम यहां पर आप बात करते हैं वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग, देखो ये DSIR है, इसके पहले मैंने CSIR बताया था, ये उसी से रिलेटेड है, ये डिपार्टमेंट है और वो काउंसिल यानी परिषद है। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जो है 1985 में बना था। उसी प्रकार बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, भाई ऐसा देखा जाए भारत में बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का एमर्जिंग ईयर 1972 को माना जाता है। बायोटेक्नोलॉजी मतलब पूरे फार्मा इंडस्ट्री, वैक्सीन वगैरह बनाना, एग्रीकल्चर सेक्टर को भी इसमें आप ले सकते हैं क्योंकि अल्टीमेटली है तो वो बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट। तो इस प्रकार देखते क्या है, ये 1986 में डिपार्टमेंट बना। डिपार्टमेंट ऑफ ओशनिक डेवलपमेंट है ना, यहां पर हम कहते हैं कि महासागरीय विज्ञान विकास विभाग, ये 1981 में बना। और उसके बाद दो नीचे की चीजें देख रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये है अंतरिक्ष विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस 1972 में बना। देन आफ्टर हम बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी 1954 में बना है। और आपको एक इंटरेस्टिंग पार्ट बताऊं, इसरो जब बना ना, इसरो की स्थापना तो 1969 में हो गई थी, अब वो किसी न किसी विभाग के अंतर्गत आना चाहिए, लेकिन देखिए 72 है, मतलब पहले ऑर्गेनाइजेशन बना बाद में डिपार्टमेंट बना, ये थोड़ा उल्टा है। जनरली पहले डिपार्टमेंट बनेगा फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन बनेगा, है ना, लेकिन यहां पर मामला देखते हैं कि ये 1972 में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस बना और उससे पहले आपका इसरो का फाउंडेशन रख दिया गया था। तो तब उससे पहले किसके अंतर्गत आता था पता है, इसरो इसी परमाणु ऊर्जा विभाग यानी एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता था। बाद में उसको जब DOS बना उसके बाद फिर इसरो में से शामिल किया गया, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, ये 6 ही डिपार्टमेंट है, ये आपको डिफिकल्ट महसूस हो रहा होगा, लेकिन बता दूं कि अगर आप नेशनल लेवल का पेपर देंगे कहीं पर भी तो भारत के जो 6 महत्वपूर्ण वैज्ञानिक विभाग हैं वो यही हैं, जिसमें स्पेस वाला स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, एटॉमिक एनर्जी वाला न्यूक्लियर के लिए होगा, वैसे डिफरेंट टाइप के रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिसर्च पेपर वगैरह के लिए DSIR रिस्पॉन्सिबल होगा, DST उसी प्रकार साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ओशनिक डेवलपमेंट ये आपका सबमरीन से लेके बहुत सारी ऐसी चीजों को लेकर होगा। अब आपको यहां पर ये समझना है कि जब ये आपके 6 डिपार्टमेंट हैं तो भारत की जो अलग अलग टेक्नोलॉजी है तो उसके अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन क्या है, बड़ी बड़ी संस्थाएं क्या है, इसको भी आपको समझना होगा। तो देखो भारत में डिफेंस सेक्टर की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, DRDO है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, न्यू दिल्ली में DRDO भवन। और यहां पर बता दूं ये इसका स्थापना 1958 में की गई है। वर्तमान में समीर वी कामत कौन है, इसके डायरेक्टर हैं। जो भी DRDO के डायरेक्टर होंगे या चेयरमैन होंगे तो ये जो चेयरमैन है वो रक्षा मंत्री के रक्षा सलाहकार भी होते हैं, डिफेंस मिनिस्टर के डिफेंस एडवाइजर भी होते हैं। बातें समझ में आई, ठीक है। तो DRDO का फाउंडेशन ईयर याद रखिएगा 1958। कहाँ हेडक्वार्टर है, अक्सर मिस्टेक करते हैं लोग, हैदराबाद टिक कर देते हैं, न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है, ठीक। नेक्स्ट स्पेस डिपार्टमेंट, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात जब हम करते हैं, ये इसका फाउंडेशन एक्चुअल में सबसे पहले है ना 1969 में किया गया था। आपको बता दूं इससे पहले ये किस नाम से जाना जाता था, इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, इनकोस्पार नाम से जाना जाता था। बाद में ये 1962 में इनकोस्पार बना था, आपको बता दूं जब भारत की प्रथम साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं स्पेस टेक्नोलॉजी के सेक्टर में भारत की प्रथम जो है कदम रखा था स्पेस टेक्नोलॉजी के सेक्टर में 1962 को। बाद में 1969 में इसका नाम बदल के हम इसरो कर देते हैं और इसरो का फाउंडेशन ईयर एक्चुअल में 69 ही लिखेंगे आप, लेकिन भारत में स्पेस टेक्नोलॉजी की नींव कब पड़ी कहा जाए तो 62 आंसर करेंगे। ये दोनों के दोनों आपके CGPSC में पूछे गए प्रश्न हैं, ठीक। चलो अब बात करते हैं वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है, एस सोमनाथ सर हैं, 10th नंबर के चेयरमैन हैं। वैसे हम बात करते हैं न्यूक्लियर सेक्टर में तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जहां पर बात करते हैं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की का हेडक्वार्टर कहां पर है, ट्रॉम्बे में है। ट्रॉम्बे इज लोकेटेड नियर मुंबई, तो मुंबई के पास ट्रॉम्बे नाम की जगह पर ये सिचुएटेड है। 1954 में इस डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की स्थापना हुई थी, अजीत कुमार मोहंती सर क्या है,
इसके अभी वर्तमान के चेयरमैन हैं। ठीक है, तो अब आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि तीन बड़े बड़े टेक्नोलॉजी जो भारत की वैज्ञानिक प्रगति में बहुत बड़ा योगदान है इनका, आप भारत की साइंटिफिक प्रोग्रेस को विदाउट लाइक स्पेस डिफेंस एंड न्यूक्लियर आप लिख ही नहीं सकते। तो यहां पर ये तीनों संस्थान का नाम आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम एनआईसी। एनआईसी यानी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, भारत में वैसे देखा जाए 1984 से 85 का समय भारत में आईसीटी का प्रवेश युग माना जाता है, वेयर इन दिस एरिया इन दिस एरा या इन दिस ईयर आईसीटी एंटर्स इन द इंडिया। ठीक है, कंप्यूटर क्रांति भी इसी समय शुरुआत हुई थी, तो आईसीटी इसे कहा जाता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इसका जो हेड या ऑपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है एनआईसी है, और यहाँ पर इसका यहाँ पर याद रखना है कि दिल्ली हेडक्वार्टर है। 1976 में पहली बार ये डिपार्टमेंट बना था, और यहाँ पे श्री राजेश गेरा सर जो है वर्तमान में इसके चेयरमैन है। ये नाम जो है अभी जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तब के हिसाब से, हो सकता है ये नाम बाद में चेंज भी हो जाए। ठीक है, कौन सा चेयरमैन वाला। एग्रीकल्चर के सेक्टर की इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च आईसीएआर क्या है, सबसे बड़ी संस्था है और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली है। 1929 यानी ये बिफोर इंडिपेंडेंस इसका जो है लाइक अ फाउंडेशन रखा गया है। डॉक्टर हिमांशु पाठक क्या है, वह भी वर्तमान में आईसीएआर के चेयरमैन है। बायोटेक्नोलॉजी का एमर्जिंग ईयर वैसे तो 1972 माना जाता है। बायोटेक्नोलॉजी में काफी सारा सेगमेंट देखते हैं कि वो प्राइवेट सेक्टर के हाथों में भी है। जैसे आपको पता है बड़े बड़े फार्मा इंडस्ट्री, वी आर द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ वैक्सीन एज वेल एज मेडिसिन, है ना, दवाइयों टीकों के सबसे बड़े निर्माता है, तो ये बात आपको ध्यान रखना होगा। नैनो टेक्नोलॉजी अभी अभी क्या है, वर्ष 2001 से भारत में तेजी से आगे बढ़ रही है क्योंकि यहीं से इसकी शुरुआत हुई थी, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आई होप ये संस्थानों का नाम अगर आपको डाइजेस्ट हुआ होगा, तो मैं इसके आगे की बात करूंगा कि चार ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट है उसे याद रखनी है। ये चारों पॉइंट को आपको स्टार कंटेन करिएगा। तो देखो, भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर के सहयोग से भारत में 1942 में CSIR की स्थापना हुई थी, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, यही मैंने बताया था, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद। और ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि वर्ल्ड में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा प्रेस्टीजियस अवार्ड है वो नोबेल प्राइज है, तो भारत में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सबसे प्रेस्टीजियस सबसे बड़ा अवार्ड क्या है, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर प्राइज, जो कितने सेक्टर में दिया जाता है, 7 सेक्टर में दिया जाता है, जबकि नोबेल प्राइज कितने सेक्टर में दिया जाता है, 6 सेक्टर में दिया जाता है। ठीक है, पिछले सेशन में हमने किया हुआ था TIFR, ये बात ध्यान रखना होगा, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जो बेसिकली न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की नींव रखी जा रही थी डॉक्टर भाभा की लीडरशिप में, इसलिए डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को भारत में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का फादर कहा जाता है। तो ये TIFR की स्थापना हुई थी 1945 में। ठीक है, याद रखना है ना ये बात, भारत में जो मोनाजाइट के जो रिसोर्सेस मिलते हैं, तो मोनाजाइट को देखकर जो केरल तमिलनाडु के कोस्टल एरिया में मिलता है, इसको देखते हुए वो सर दुराबजी टाटा के पास गए थे, और सर दुराबजी टाटा से बात करके फिर उनकी मदद से टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो है इसकी स्थापना हुई है ना। सर दुराबजी टाटा कौन है, टाटा ग्रुप के मालिक हैं, तो उनकी मदद से ये हुई थी। ठीक, और बाद में हम बात करते हैं कि ना भारत को आज़ादी मिली, 1948 में हमने पहली बार क्या बना दिया, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के पहले एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाया था, परमाणु ऊर्जा आयोग बना था, क्योंकि दे आर पॉलिसी मेकर्स, ये पॉलिसी मेकर्स होते हैं, और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा पहले इसके क्या थे, आपके साइंटिस्ट थे, पहले चेयरमैन थे। ये जो लास्ट पॉइंट है ये स्टार करिए, TIFR की स्थापना 1945, ICR की स्थापना अभी हमने देखा ये 1928, उसके बाद ICMR 1915, यहां पर बात करते हैं CSIR 1942। आप नोटिस कर पा रहे हैं कि सबकी स्थापना बिफोर इंडिपेंडेंस है, आजादी के पहले ये चार संस्थानों की क्या है, फाउंडेशन रख दी गई थी, ये बात ध्यान रखना है। ICR का 1929 है, प्लीज करेक्ट, तो यहां पर इस बात को ध्यान रखना है 1929। तो आप ये बात को सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि आजादी के पहले ये चार संस्थान आए थे, तो आजादी के बाद वाले संस्थानों का फिर बाद में कैसे सामंजस्य बना और कैसे आगे हम बढ़ते चले गए, तो आपको ये स्टोरी भी जानना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं,
तो जैसे कि अगर आप स्पेस टेक्नोलॉजी कहें या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कहें, अलग अलग टेक्नोलॉजी बड़े बहुत बड़े बड़े संस्थान हैं और इन संस्थानों को लेकर उनके सेंटर्स हैं। तो मैं सिस्टमेटिकली तीन चीज़ें अभी करने वाला हूँ। पहला कि हम स्पेस टेक्नोलॉजी के बड़े संस्थानों का कहाँ कहाँ सेंटर्स है इसकी बात करेंगे, उसके बाद मैं डिफेंस और न्यूक्लियर की ओर भी आऊँगा। लेकिन आज पहला हमारा ये पार्ट है, इसलिए पहले हम उन सेंटर्स को कवर करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे अलग अलग सेंटर भारत में स्थापित होते गए और भारत में एक बहुत बड़ा साइंटिफिक इकोसिस्टम तैयार हो गया। और साइंटिफिक इकोसिस्टम तैयार होने के बाद भारत तेजी से आगे बढ़ा। यदि हम सभी संस्थानों की बात करें, बेसिकली इस चीज को अच्छे से ध्यान दीजिए, ये क्या है, आपका स्पेस का सेक्टर है और स्पेस सेक्टर की चूंकि हमारे बड़ी बड़ी हमने रिकॉर्ड अभी बनाते चल रहे हैं, तो इसलिए याद रखना कि स्पेस टेक्नोलॉजी का सेक्टर आपके वनडे एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल है। और ओवरऑल सब टेक्नोलॉजी के पूरे पार्ट को समराइज करेंगे तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो रिलेटेड जो भी ऐसे राइटिंग का टॉपिक होगा उसमें भी यहाँ पर ये बहुत अच्छा आप कर पाएंगे। चलिए हम इस इसरो सेंटर की बात करते हैं। इसरो सेंटर में यदि हम यहाँ पर इसको थोड़ा समझना चाहें थोड़े नए एंगल से, मैं आपको बता दूं इसरो सेंटर को आप नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पकड़ लीजिए, है ना। इसरो सेंटर को नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पकड़ लीजिए, उससे होगा क्या, आपका जो है काम आसान हो जाएगा। जैसे कि हमको पता है अगर इंडिया के मैप को अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा समझें तो इंडिया के मैप में हमारे पास ये बात क्लियर हो जाएगा कि भारत में स्पेस टेक्नोलॉजी के अलावा जितने भी टेक्नोलॉजी आए थे वो सब टेक्नोलॉजी का भी उसी प्रकार का क्या है, लाइक एक स्वर्णिम इतिहास है। इसरो का जो आना है वास्तव में एक अलग ही उसकी स्टोरी रही है, मैं आपको बताता हूँ। देखो भारत में सबसे पहले साउथ इंडिया में क्या हुआ था, स्पेस टेक्नोलॉजी का प्रादुर्भाव हुआ था। तो साउथ में क्या एक जगह है जिसका नाम क्या है, त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम भी कहते हैं। तिरुवनंतपुरम के पास क्या स्थित है, थुम्बा नाम की जगह है। यहां पर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है जिसका हम बात करते हैं, इसे TERS थुम्बा इक्विटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन भी कहते हैं। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की स्थापना यहां पर हुई थी और यहां पर इसरो का जो है यहां पर नींव रखा गया था। वैसे देखा जाए केरल के पास सिचुएटेड एक चर्च है जहां से साइंटिस्ट बैठ के ये सब चीज डिस्कशन किया करते थे और आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। तो यहां से चालू हुआ श्रीहरिकोटा, आपको पता है कि भारत का सर्वाधिक लॉन्चिंग यहीं से है। पहले आपका विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC से होता था, उसके बाद थुम्बा से आपका श्रीहरिकोटा से होने लगा, 99% लॉन्चिंग यही हुए हैं। उसके बाद बेंगलुरु हेडक्वार्टर बनाया गया, आपको पता होगा, है ना। आपका अहमदाबाद जो है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर बना, अलग अलग सेंटर इस प्रकार भारत में अलग अलग जगह जो है अब फैलते चले गए। और आज हम प्राउडली कहते हैं कि भारत में इसरो के बड़े बड़े सेंटर्स हैं और इन सेंटर्स को आपको आज के सेशन में कवर करना होगा। मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत यूजफुल होंगे और मैं गारंटीड कहता हूं यहां से इस मैप से क्वेश्चन आपको अपकमिंग एग्जाम में देखने को क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, शैल वी स्टार्ट। चलो तो मैं आप लोगों को कुछ सेंटर्स की बात कराता हूं और इसमें सबसे पहले नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आप इसको पकड़ लो। तो शुरुआत चूंकि साउथ से हुई थी तो इसलिए पहले आप साउथ इंडिया को देखो, यहां से इसके ऊपर की तरफ मत देखो, नीचे की तरफ फोकस करो। कहां पर हुआ था, तिरुवनंतपुरम। तो तिरुवनंतपुरम में आप याद रखना कि चार बड़े बड़े चीजें हैं, एक है आपका विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, एक है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, वैसे ही हम बात करते हैं लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर, लिक्विड प्रोपल्सन यानी कि द्रव प्रणोदन प्रणाली केंद्र कहा जाता है, सॉलिड लिक्विड गैस क्रायोजेनिक इस प्रकार के प्रोपेलेंट होते हैं, प्रोपेलेंट यानी कि ईंधन। तो लिक्विड प्रोपल्सन वाला यहां पर रिसर्च सेंटर है। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर पहला, उसके बाद देखते हैं यहां पर आई आई एस यू जिसे हम इसरो इनर्शियल सिस्टम यूनिट कहते हैं। ठीक है, ये मैप आपको जो है लाइक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लेकिन फिर भी आपको यहां पर इस बात को समझते चलना है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, LPSC लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर, दो हो गया। उसके बाद आप बात करते हैं IISU, इसी ने चंद्रयान गगनयान 2 का जो IISU है ना, इसरो इनर्शियल सिस्टम यूनिट है, गगनयान का जो व्योम मित्र
जो रोबोट है वो इसी ने बनाया था, किसने? IISU ने बनाया, ये स्टार कर सकते हैं इसे। इसके अलावा IIST इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्या है? IIST इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जैसे IIT NIT होता है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसी प्रकार भारत में किसी को स्पेस टेक्नोलॉजी के सेक्टर में आपको डिग्री कोर्सेज या हायर उसमें करियर बनाना है तो इसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये तिरुवनंतपुरम में एडमिशन ले सकते हैं और यहाँ पर स्पेस साइंटिस्ट बन सकते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, बातें क्लियर हो गई। उसके बाद दूसरे बड़े सेंटर पर आते हैं, वो है आपका कौन सा? वो है आपका बेंगलुरु। बेंगलुरु में बहुत सारे सेंटर्स हैं, जैसे कि आप बात करते हैं पहले तो हेडक्वार्टर है इसका, दूसरा इसरो का डिपार्टमेंट यानी स्पेस का डिपार्टमेंट है, स्पेस डिपार्टमेंट है। वैसे बात करते हैं स्पेस कमीशन भी यहीं पर है, स्पेस कमीशन भी यहीं पर है। ठीक है, 1, 2, 3। उसके बाद मैं बता दूं यहां पर URSC सैटेलाइट सेंटर भी है। ये सब के सब एग्जाम में पूछे जाते हैं और आगे ये मैप की मदद से आप बहुत कुछ अप्रोच कर पाएंगे। उसके बाद आपको बता दूं इसरो के दो कमर्शियल विंग हैं, है ना, उन दोनों का नाम भी यहां पर याद रखना। एक का नाम है एंट्रिक्स कॉरपोरेशन और दूसरा का नाम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ये क्या है कि दूसरे देशों के जो सैटेलाइट को हम लॉन्च करते हैं तो उसका कॉमर्शियल एंगल पे जो डील करेगा कि उनकी सैटेलाइट को हम फ्री ऑफ कॉस्ट में तो लॉन्च करेंगे नहीं, उनको लॉन्च करेंगे, बदले में उनसे पैसे प्राप्त होंगे यानी रेवेन्यू जनरेशन होगा जो भारत सरकार या इसरो को जाएगा। तो ये कमर्शियल एंगल पे जो डील करते हैं वो कौन है? NSIL और एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन करते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। उसके अलावा मैं आपको एक बात बता देता हूं, वैसे तो बहुत कुछ है यहां पर भी LPSC, लेकिन यहां पर भारत में 5 RRSC हैं। ये RRSC क्या है थोड़ा समझ लीजिए, फिर मैं आता हूं उस पॉइंट पर। RRSC का मतलब ये है रीजनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, RRSC रीजनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, क्षेत्रीय सुदूर संवेदी केंद्र। और ये कितने हैं भाई? 5 हैं। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, मैं आपको बता दूं 5 को याद रखना बहुत आसान है। आप नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कर लीजिए, जैसे साउथ का कहां पर है? बेंगलोर में। नॉर्थ का कहां पर है? यहां पर कोलकाता में, सॉरी ईस्ट का कोलकाता में है। उसके अलावा हम बात करते हैं नॉर्थ का कहां पर है तो दिल्ली में है। ठीक है, और उसके अलावा यहां पर वेस्टर्न पार्ट को देखते हैं तो वो कहां पर है? जोधपुर में है। और सेंट्रल का कहां पर है? नागपुर में है। सेंट्रल का नागपुर है। क्या है इसका मतलब कि ऊपर जब सैटेलाइट छोड़ा गया होगा, ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, तो रिमोट सेंसिंग मतलब रिमोट में बहुत सारे डेटा, जैसे हमारे अर्थ सरफेस पर बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, चाहे वो डेजर्ट की बात करें, फॉरेस्ट की बात करें, मिनरल्स की बात करें, या फिर किसी भी प्रकार की चीजों का जो मैपिंग करते हैं या फिर एनालिसिस करते हैं। एवरी 2 ईयर्स में हम फॉरेस्ट रिपोर्ट तैयार करते हैं, रेगुलर बेस पे बहुत सारे माइंस का सर्वे हो रहा होता है, मिनरल्स वगैरह कहाँ मिलने की प्रोबेबिलिटी है, ये सब रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की मदद से की जाती है। तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट वास्तव में बहुत सारे डेटा भेजते हैं, तो वो डेटा का कलेक्शन सेंटर, एनालिसिस करना, कोई डिसीजन पर जाना, वो रीजनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के द्वारा ये सब होता है, यही वो डेटा कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर याद रखना ये चारों पांचों सेंटर, तो 5 RRSC है भारत में, ये एग्जामिनेशन पॉइंट है, उसे बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए वापस लौट के आइए, आपका बेंगलुरु वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। साउथ इंडिया में अब चलते हैं 2 जगह और। साउथ इंडिया में सबसे पहले यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट में से एक है, वो है श्रीहरिकोटा। तो श्रीहरिकोटा को देखते हैं, इसका नाम क्या है? SDSC SAR, क्या कहते हैं? सतीश धवन स्पेस सेंटर, और यहां पर इसे श्रीहरिकोटा हाई एल्टीट्यूड रेंज कहा जाता है, SDSC SAR कहा जाता है, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा हाई एल्टीट्यूड रेंज। यानी कि बता दूं कि भारत में जितने भी रॉकेट या जितने भी सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं, शुरुआत भले हम विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर या TERLS से थुम्बा से किए थे, उसके बाद 99% लॉन्चिंग इसी श्रीहरिकोटा से होता है। हमारा एक नया लॉन्चिंग सेंटर भी अभी बनने वाला है, वो आपका तमिलनाडु में तूतीकोरिन, जिसका नया नाम
थूथुकुड़ी है यहाँ पर सिचुएटेड है। बातें समझ में आई। उसके बाद आपको यहाँ पर समझना होगा कि जो साउथ में और कौन सा सेंटर है, तो दो बड़े बड़े नाम मैं आपको और बताऊंगा। देखो यहाँ पर अक्सर पूछा जाता है, हमारे पास है बयालू। बयालू वाला जो क्वेश्चन है, बहुत सारे जो पहले पूछा गया है सॉल्व करने, बहुत मुश्किल से सॉल्व किए होंगे, तो बयालू या इसे बयालू भी कह देते हैं। तो क्या है, देखो ये बात ध्यान रखना होगा, जब हम चंद्रयान 1 को 2 को या 3 को छोड़े होंगे तो उसके साथ वो डीप स्पेस में जाता है। डीप स्पेस मतलब अर्थ से बाहर चले गए। तो डीप स्पेस में अगर हम बात करेंगे तो इस जगह पर चंद्र जो सैटेलाइट से जो कांटेक्ट बनाता है वो कौन बनाता है, इंडियन डीप स्पेस लाइक स्पेस नेटवर्क ISDN बनाता है। तो ISDN कहां पर है, इसी बयालू में है, जो आपका बेसिकली कहां पर सिचुएटेड है, ये आपका बेंगलुरु के पास कर्नाटक में सिचुएटेड है ना। तो ये बयालू में इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क है। अभी चंद्रयान 3 छोड़े हैं तो उसके रोवर से, उसके लैंडर से या उसके ऑर्बिटर से कौन कांटेक्ट करेगा, यही ISDN कांटेक्ट करेगा। वैसे यहां पर आपको बता दूं एक और सेंटर भी है जो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन ISDN को खासकर याद रखना। इसके अलावा देखो हासन, हासन कहां पर है, तो ये भी कर्नाटका में है, और कर्नाटका का ये हासन जो है ये मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, ये वर्ड को थोड़ा समझो, मुख्य नियंत्रण सुविधा। तो वैसे तो सेंट्रल इंडिया में भोपाल में भी है, लेकिन अगर कम्युनिकेशन सैटेलाइट का जो सेंटर है, इंफॉर्मेशन सैटेलाइट है ना, इनसेट MCF कहा जाता है, इनसेट MCF यानी इंफॉर्मेशन सैटेलाइट का MCF मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, वो कहां पर है, आपके इस जगह पर है, इनसेट वाला बेसिकली लाइक कहां पर है, आपका हासन में, ठीक है। चलो अब ये बात क्लियर हो गई। अब साउथ इंडिया में एक ये याद रखना, महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी कहां पर है और बेसिकली ये क्या काम करता है, ये भी प्रोपल्सन सिस्टम का एक सेंटर है, इसरो, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं पोर्ट ब्लेयर में भी हमारा एक सेंटर है, आपकी क्या है, अंडमान निकोबार में। तो इस प्रकार साउथ इंडिया की कुछ चीजें जानिएगा। अब आता है दो नाम याद रखिएगा, हैदराबाद और आपका देहरादून। हैदराबाद और देहरादून की कहानी को मैंने पहले ट्रिक में भी बताया है और आज फिर से रिपीट करता हूं कि आप नेशनल हाईवे में जा रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस ने आपको रोक लिया और आपसे ड्राइविंग लाइसेंस मांगा, मतलब आपसे आईडी मांगा। इस ट्रिक को आप याद रखिएगा, कई बार इसको एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका ट्रिक को कैसे अप्लाई करेंगे, देखो रिमोट सेंसिंग वाले दो रिसर्च संस्थान है ना, एक तो रीजनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, वो 5 हो गए। इसके अलावा आपको बता देता हूं, देखो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग को क्या कहते हैं, IIRS कहते हैं, भारतीय सुधु समेकित संस्थान। और अगर हैदराबाद के सेंटर को अगर आप नोट कर पा रहे होंगे तो ये राष्ट्रीय सुधु समेकित केंद्र NRSC कहते हैं, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC कह रहे हैं। तो ये काफी सिमिलर टाइप का नाम है, देखो हिंदी में कहें चाहे इंग्लिश में काफी सिमिलर टाइप के नाम लग रहे हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग और नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है ना। यहां पे कहा जा रहा है भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान और राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र, तो अक्सर इसमें कंफ्यूजन होता है। इस कंफ्यूजन से बचने के लिए हमने ये देखा कि ऐसा रिमोट सेंसिंग सेंटर जो N से स्टार्ट हो रहा होगा, जैसे NRSC, तो इसका हेडक्वार्टर क्या होगा, हैदराबाद होगा। और ऐसा रिमोट सेंसिंग सेंटर जिसकी शुरुआत किससे हो रही, IC हो रही है, मतलब तो उसका हेडक्वार्टर क्या होगा, देहरादून होगा। ये बात थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि एग्जाम में 2 कंसेक्यूटिव ईयर में इसे सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप पास्ट ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यहां से ये दिख जाएगा। बातें समझ में आई। चलो अब आगे बात करते हैं कुछ और पार्ट, जिसमें कि अब ये आपका साउथ इंडिया का लगभग कवर हो गया, अब RRSC में भी मैंने डिस्कस कर दिया, तो आप इस सेक्टर पर आइए, ये वाले सेक्शन को कवर करिए, ये भी एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। इस सेक्शन को भी आपको अच्छे से समझना होगा। तो मैं यहां पर बात करता हूं कि जब आपका नॉर्थ ईस्ट की बात कर देते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में कुछ चीजें हैं, इसके अलावा आप वेस्टर्न इंडिया की बात करते हैं तो वेस्टर्न इंडिया में हमारे पास सबसे पहले आता है अहमदाबाद। तो अहमदाबाद की चीजें को जब हम देखते हैं तो ये अहमदाबाद में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अहमदाबाद, ठीक है। उसके अलावा यहां पर क्या है, फिजिक्स रिसर्च लैबोरेटरी है, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला है, यहीं पर डॉक्टर साराभाई रिसर्च कर रहे थे,
उसके बाद है डेको, ये तीनों के तीनों प्रश्न पास्ट ईयर के पूछे गए प्रश्न है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, फिजिक्स रिसर्च लैबोरेटरी और डीईसीयू, डेको जिसे डेवलपमेंटल एंड एजुकेशनल कम्युनिकेशनल यूनिट कहा जाता है, हिंदी में कहें तो विकास एवं शैक्षिक संचार यूनिट कहा जाता है, ये यहां पर सिचुएटेड है। ठीक है, कहां पर? अहमदाबाद में। उसके अलावा आपका राजस्थान के तीन सेंटर है, जोधपुर की बात हमने कर ही लिया था, ये आपका जोधपुर में क्या है, वेस्टर्न आरआरएससी है, उदयपुर में सोलर ऑब्जर्वेटरी है और यहां पर माउंट आबू में इंफ्रारेड ऑब्जर्वेटरी है, सौर वेधशाला और अवरक्त प्रकाश की वेधशाला, वेधशाला मतलब और ऑब्जर्वेटरी एक कहना चाहिए एक लैब ही है समझो। ठीक है, बातें समझ में आई गई। उसके बाद आप बात करते हैं चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ में सेमीकंडक्टर लैब है, SCL कहा जाता है। सेमीकंडक्टर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का क्या है, उसका सोल होता है, उसका महत्वपूर्ण सेगमेंट होता है, उसकी आत्मा होती कह सकते हो। ठीक है, बातें समझ में आई। अब उधर वेस्टर्न पार्ट देखिए तो फिर ईस्टर्न पार्ट देखिए, शिलोंग में क्या है, नॉर्थ ईस्ट स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है। अरे भाई ये स्पेस एप्लीकेशन सेंटर देखिएगी नहीं, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र। वैसे नॉर्थ ईस्ट में क्या है, तो नॉर्थ ईस्ट में है आपका शिलोंग में नॉर्थ ईस्ट स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार आप देखते क्या है कि ये वाला पोर्शन भी आपका कवर होता है। और लखनऊ में क्या है, आपका ईस्ट्रैक सेंटर है जो टेलीमेट्री को लेकर बेसिकली संस्थान है। ठीक है, ये सब इसरो के संस्थान है। और दिल्ली में क्या है, इसरो का ब्रांच ऑफिस है ना, इसरो जियो स्टेशन है, दिल्ली जियो स्टेशन है। और उसी प्रकार मुंबई में इसरो का लाइसन ऑफिस है, आपको ये बात ध्यान रखनी होगी। ये जितने भी आपके सेंटर्स देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं आपकी इसरो के डेवलपमेंट के लिए या भारत में स्पेस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले किए हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के लिए बहुत कुछ लेकर आया हूँ, आप लोगों को मैंने इसलिए इसे दो सेगमेंट में कवर करने का मैंने कहा था। अपकमिंग क्लास में हम देखेंगे कि भारत में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कैसे आगे बढ़ा, इस प्रकार अलग अलग जो संस्थान आते चले गए इन संस्थानों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन आज का पहला सेगमेंट हम यहीं पर रोक रहे हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में कुछ नए और इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ, और कुछ महत्वपूर्ण ऐसे बिंदुओं को लेकर भी आऊंगा जो आपकी हाल फिलहाल एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इजाजत दीजिए, इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।